कल भी जो है यहाँ पर आज आपके बेटे का जनाजा था, आप गए नहीं? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। ₹1980 का दशक संगम यानी प्रयागराज। प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। इसी दौर में चकिये मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगे वाले का बेटा सफीक अहमद सुर्खियों में आता है। महज 17 साल की उम्र में सफीक अहमद पर हत्या करने का आरोप लगा। उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। नमस्ते साहब। साहब वो चांद हमार 2 बीघा जमीन ले लीस, 5,000 रुपया दहीस रहा है और कहत रहा है अब हमार जमीन हो गए। अरे काहे का जोखिम लिए थो? जितनी जमीन रहा उतना पैसा मिला कि नहीं? आप काहे की कार्रवाई करें बोलो। लेकिन साहब वह जमीन हमका नहीं बेचक। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ इनको? अरे सर इनकी रोज की मगजमारी है। अच्छा आइए सर बैठिए, ठंडा लेंगे या चाय? हमें जो लेना होगा हम ले लेंगे, ज्यादा हमारी बीवी बनने की कोशिश मत करिए। हाँ आप बताइए। चांद 2 बीघा जमीन ले ली साहब हमारा और 5,000 रुपया देश और कहा यह जमीन हमार हुई है। वह 2 बीघा जमीन रहा वह चली गई। क्यों कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? तुम्हारी एरिया में कोई सरेआम गुंडाई कर रहा है और तुम लोग यहाँ बैठ के ताश खेल रहे हो? जाओ उस चांद को घसीट के लेके आओ। अब हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाइए। वो क्या है ना सर, अभी आप नए हैं, पहले माहौल समझ लीजिए फिर बताइए। और आप जिस चांद बुलाने की बात कर रहे हैं ना, वो कोई दिहाड़ी का मजदूर नहीं है जो हमारे बुलाने पे चला आएगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कोई चांद हो या फिर दिहाड़ी मजदूर, हमारे क्षेत्र में जो गुंडाई करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। अब जाइए और उसको लेकर आइए। इट्स माय ऑर्डर। हाँ जय हिंद। कहाँ हो? अरे वो थाने में नए पट्टा साहब आए हैं, वो बोल रहे हैं कि चांद को लिवा लो। तुम जसवंत दोनों लोग चले जाओ और चांद को लिवा लो। ठीक है? ठीक ठीक। क्या है? नमस्ते बाबा। कार कुकरो या का सुंगा चले आयो? थाने मां नवाज पत्थर साहब आए, हमका बोले हैं आपका लेवाना है। अच्छा तो तुम लोग हमका गिरफ्तार कर आए हो? हाँ वो इंस्पेक्टर साहब बोले। अच्छा तब तो चलना ही पड़ेगा भाई, थानेदार साहब ने जो बुलाया है। तो नवा थानेदार साहब बुलाए हैं जी। चलो भाई चला जाए। हैं
चलो डोरी मैया ने कटे मार दो हम का लवा आए हो भाग जाओ ने बोर्ड काट गंगम फेंक दे मार दो हम का लवा आए जाए बता दे अपने ठाने डार से कि चांद बाबा कहूँ आ जा वाले नहीं हम का बोला आए हैं। नमस्ते मंत्री साहब, हमारे लड़के का छुड़वा दीजिए मंत्री जी। हमारा लड़का बेकसूर है, उसने कोई अपराध नहीं किया। करा धरा सब चांद के आदमियों ने फंसा दिया हमारे लड़के को। हुजूर, हम बहुत गरीब आदमी हैं, किसी तरह हमारे लड़के को छुड़वा दीजिए। ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। जी साहब, आप घर जाइए। चलो भाईजान, पुलिस आ रही है। आने दो सालों को। सर, लगता है भाग गए साले, जरूर गांव वालों ने सूचित कर दिया होगा। अच्छा, तो इसीलिए साला अब तक नहीं पकड़ा गया जो पूरा गांव उनकी सपोर्ट में रहता है। चलो, कभी न कभी तो साला पकड़ा जाएगा। गिरफ्तार करने आई पुलिस से चांद इतना क्रोधित हो जाता है कि पूरे थाने में बमबारी करना शुरू कर देता है। बम की आवाज का शोर इलाके के चौराहों से लेकर प्रशासन के गलियारों तक गूंजने लगा। क्या जरूरत थी जाते ही चांद से उलझने की? तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन जला दिया गया जिसमें हमारे दो नौजवान सिपाही शहीद हो गए। मुझे नहीं लगता तुम शहर की कानून व्यवस्था संभाल पाओगे। प्लीज सर, हमें एक और मौका दी। शट अप, उठाइए अपना ट्रांसफर लेटर और जाइए यहाँ से। जय हिंद सर, आइए बैठिए। उधर चांद बाबा ने थाना जला दिया है, आप यहाँ बैठ के दांत पीस रहे हैं। सर, चांद से निपटने के लिए हमने एक अनकाबिल ऑफिसर को बुलाया है। अब आपको जिसे बुलाना है बुलाइए, अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं मिलेगी। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और राजू कैसे हो? बढ़िया है भाईजान। चलिए आपको मंत्री जी से मिलवाते हैं। कौन मंत्री? अरे अपने क्षेत्र के लाल जी, जिन्होंने आपकी जमानत करवाई। अच्छा, हाँ चलो भाई। नमस्ते मंत्री जी।
अरे आओ आओ सब एक मियां आओ आओ बैठो। अरे ठीक है। अरे बैठो यार, घबरा काहे रहे हो, इसे अपना ही घर समझो। और बताओ सफीक मियां, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं मंत्री जी। अरे हम होने भी नहीं देंगे। ए चाले आओ रे। और बताओ सब ठीक ठाक है? बस आपकी रहमत बनी रहे मंत्री जी। अरे इसमें रहमो करम की कोई बात नहीं है, आप हमारे छोटे भाई जैसे हो। शुक्रिया मंत्री जी। लीजिए सफीक मियां चाय पीजिए। जाइए सफीक मियां, इलाहाबाद आपका इंतजार कर रहा है। अरे सफीक मियां। जी मंत्री जी। ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। अरे ठीक है मंत्री जी। अरे रख लो यार, और भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो हमें याद करना। शुक्रिया मंत्री जी, हमारे लग अगर कोई सेवा हो तो बताइएगा। बिल्कुल याद करेंगे सफीक मियां। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और सब खैरियत है? सब ठीक है अबू। बेटा तुम्हारी जमानत मंत्री लाल जी ने करवाई है? हाँ, और राजू बताए अभी अभी उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं, बड़ा नेक आदमी है मंत्री जी। हाँ हाँ वो तो है। अस्सलाम वालेकुम अजान। वालेकुम अस्सलाम। और असरफ सब खैरियत? सब बढ़िया भाई, आपके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा था। चलो अब हम आ गए हैं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी अम्मी देखो भाई आ गए। अम्मी अम्मी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और बच्चा कब तक बढ़ाएगा? अम्मी अब आपके हाथ का खाएंगे तो मोटा जाएंगे। अम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाइए। एक बार समझ नहीं आ रही है कि चांद बाबा ने हमें छुड़ाया क्यों नहीं, जबकि उसने हमसे बोला था कि काम हो जाने के बाद हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। चांद बाबा आपका इस्तेमाल कर रहा है भाई जान। आपके जेल जाने के बाद हम और अब्बू गए थे उनके पास, आपको छुड़वाने के बहाने गांव के बाहर वाली जमीन भी निकाल ली और आपको छुड़ाया भी नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं, देख लीजिए। भाईजान हमें लगता है अब अपना साम्राज्य बनाने का वक्त आ गया है, कब तक हम लोग ऐसे दूसरों की गुलामी करते रहेंगे? बेटा ये सब काम छोड़ दो, कोई अच्छा काम करो जिसे अब्बा का किसी के आगे सर न झुका कर। अम्मी आप परेशान मत होइए, आज के बाद अब्बू को किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अब्बू के आगे झुकेगी। अब चांद को पता चलेगा कि सूरज निकलने का वक्त आ गया है। लारे हफ्ता। अरे मालिक कहीं का हफ्ता दे, वही तो लेके गया है। इधर कौन लेकेगा? वो देखो सामने। हाँ जल्दी कर जल्दी। कहा हो कहीं के नाम पर वसूली करो? भोसड़ी के तुमका कोनो दिक्कत है का? दिक्कत हमका नहीं, दिक्कत तुमका हो जाए अगर चांद बाबा जान जाइए तो।
अच्छा ये कौन बाबा सी रहे हो? ये चांद के आन कहा तुम वसूली करियो तो तुमका दिक्कत हो जाए। अच्छा तो दिक्कत हो जाए तो भौसड़ी जाग बता दियो अपने चांद से कि वही माप ग्रहण लगे समय आए गवा है। काहे सांप की बिलिया मुंगली दिया अगर काट ले तो गांड से प्राण निकल जाइए। चल निकल बक। सुनो भौसड़ी वालों अब हफ्ता चांद के नाम से नहीं हमरे नाम से देना होगा। बाबा ये कल रात इश्तियाक की बेटी उठा गया उसके साथ रात भर मुराहेबाजी की। क्यों रे क्या सही कह रहा है? गलती हो गई बाबा माफ कर दीजिए बाबा। गलती हो गई भौसड़ी के बाबा हम आपके हाथ जोड़ते माफ कर दीजिए गलती हो गई। अब नहीं होगी गलती बाबा माफ कर दीजिए बाबा बाबा माफ कर दीजिए बाबा माफ कर दीजिए बाबा बाबा आज की बात किसी लड़की को नहीं देखूंगा बस एक मौका। मादर देखने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं बाबा 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 रात भर के छोड़ दो साले को। अब जोरे का है गवाह है कुकुर कर मुंह लटका चले आ रहे हो यहाँ टांगे वाले लौंडा पूरे इलाके में वसूली कर रहा हम मना किए तो सालों ने मारा कह रहे हैं आज के बाद हमारे नाम से वसूली हुई। अच्छा तो बुलाओ टांगे वाले लौंडे जरा हम तो देखे कौन घोड़े दूध पिए है। जाओ रे तुम हो जाओ यही के साथ है। भाईजान आज तो अच्छी कमाई हो गई हम सोच रहे हैं कि